एनसीईआरटी फिजिक्स फॉर क्लास सिक्स में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी के फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को जानना है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई की थी हाउ वाइड इज दिस डेस्क, इसमें डेस्क को हम लोगों ने नापा था अलग अलग मेथड से। इसके बाद से सम मेजरमेंट्स में हम लोगों ने जाना था किस तरह के मेजरमेंट्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम लोगों ने मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर स्केल के बारे में जाना था। फिर आपका करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से हम लोग सही सही मेजरमेंट लेते हैं स्केल से। और इसके बाद आज हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। अब देखिए स्केल की मदद से आप किसको नाप सकते हैं, क्या चीज़ नाप सकते हैं, आपका जवाब होगा इससे हम लोग आपके बेंच की लंबाई, डेस्क की लंबाई, है ना, दीवार की लंबाई चौड़ाई, और मैंने लंबाई चौड़ाई उन सब चीज़ों की नाप सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन से बने हो, ऐसा कर सकते हैं जो पॉलीगन शेप के हों, है ना, यानी कि कहने वाले कि वह संरचना हो जो सीधे सीधे लाइन से बना हो। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप अपने कंधे का शेप लेना चाहें, ठीक है, चलिए इस कंधे का नहीं कमर का आप शेप लेना चाहें, तो क्या स्केल से नाप सकते हैं क्या? तो कहने का मतलब इस दिक्कत होगी, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। वी कैन यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। तो हम लोग कभी भी स्केल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जहाँ कर्व्ड सरफेस होता है वहाँ पे हम लोग रिबन का इस्तेमाल करते हैं, रिबन स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग सावधानियाँ रखते हैं। तो चलिए हम लोग एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 4 है, यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। तो एक कर्व्ड लाइन, देखिए एक्टिविटी ये कराने के लिए सिंपल से मैं बात कर रहा हूँ, फिर से आपको दोहरा दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे जूम ऐप से पूछे थे कि आचार्य जी या सर ये कैसे बनेगा, हाउ इट्स कैन बी पॉसिबल। तो आपके पास जो स्केल होगा वह दो तरह का होगा, बड़ा वाला स्केल होगा तो उसमें छोटा वाला स्केल में 15 सेंटीमीटर तक का मेजरमेंट होता है, और बड़े वाले स्केल में मेरे ख्याल से 35 सेंटीमीटर तक का आपका मेजरमेंट रहता है, 30 तक का आपका मेजरमेंट होता है। तो बड़े या किसी छोटे स्केल का भी आप इस्तेमाल करके आपको 100 सेंटीमीटर नापना है, कितना नापना है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जूम ऐप्स पे एक बच्चे ने कहा था, तो मैं जूम ऐप्स पे फिर आपको ये बात समझा दूंगा इसको बनाते कैसे। इसके लिए आप कोई भी तार, रस्सी, धागा, है ना, ले लेंगे, और आपको 30 सेंटीमीटर का जो बड़ा स्केल होता है वो उससे ज़्यादा आराम होता है। अगर आपके पास छोटा स्केल हो तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उसको आप ना इस्तेमाल करें, अगर वह है तो उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए करते क्या है कि आपको नापना है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का लेंगे तो तीन बार ही नाप में हो जाएगा, 30 30 30, 30 30 30 30 प्लस 30 प्लस 30, आपका हो जाएगा कितना, 30 प्लस 30 प्लस 30 करके आपका हो जाएगा 90, और उसका फिर और 10 सेंटीमीटर उसी स्केल से नाप लेंगे, और जहाँ पे ये आपका 10 सेंटीमीटर लास्ट वाला ख़त्म होता है वहाँ पे आप एक निशान लगा के कैंची की मदद से काट लेंगे, ठीक है। ये जब ये एक्टिविटी करेंगे तो किसी बड़े के मदद से करेंगे, और 100 सेंटीमीटर का एक रिबन या कर्व्ड लाइन वाला स्केल बना लेंगे, है ना। कहने का मतलब है कि एक रिबन स्केल तैयार कर लेंगे 1 मीटर का, और फिर आपको एक काम और करना है, आपको मान लीजिए कि छोटा स्केल है तब आप क्या करेंगे, तो छोटा स्केल है 15 सेंटीमीटर वाला तो कोई बात नहीं, जो ज्योमेट्री बॉक्स में ऑर्डिनरी इसमें स्केल आता है उसको भी आप लेके मेजर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि एक फीता रिबन ले लेंगे 15, ठीक है, 15, ठीक है, तो उसको 6 बार नापना पड़ेगा, चक्कर ये है कि उसको 6 बार आपको नापना पड़ेगा, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके आप 6 टाइम नापेंगे, और नाप करके जहाँ एंडिंग होगा वहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर और प्लस ऐड कर लेना है, नाप लेना है उसी से, ठीक है। जहाँ आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा वहाँ पे एक टिक मार्क करके
और उसको कट कर लेंगे। कट करके आपका एक रिबन तैयार हो जाएगा। ये रिबन 1 मीटर का हो जाएगा। इससे आप किसी भी कर्व लाइन को आप नाप सकते हैं। तो आप अपने घर में कोई भी कर्व लाइन वाला चीज़ ले सकते हैं, या फर्श पे ही एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींच दीजिए और उसे आप फटफट से नाप सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी भी किया है। यहाँ पे देखिए एक कर्व लाइन है जिसको नापने की कोशिश की गई है, ठीक है। और इससे आप अपने कमर की चौड़ाई भी नाप सकते हैं, ठीक है। और अपने बहुत सारे चीज़ें जो कर्व सरफेस की होंगे उन सब को आप नाप सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है अब, ठीक है। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का आज यहीं तक का पढ़ाई था, ठीक है। आज आप लोगों को मैंने स्पेशली ये क्लास जो है मैंने इसी के लिए किया था, वीडियो ये बनाया था। अगला जो वीडियो बनेगा वह मूविंग थिंग्स अराउंड अस के बारे में बनेगा। इसमें हम लोग टेबल एक तैयार करते हैं, ठीक है। तो टेबल तैयार करेंगे और आप एक काम करेंगे, पहले से इसका अभ्यास कर लेंगे। ये टेबल 10.4 है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड इन मोशन, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का नाम यहाँ मेंशन करेंगे, है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट 10 को, और उनके मोशन के बारे में यहाँ लिखेंगे कैसे वो मोशन करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।